नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी भगवान बुद्ध की उस धरती पर हूँ जहाँ वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन इस धरती पर अपना वो ज्ञान छोड़ गए जो आज सुरों के रूप में मेरे सामने है। मैं रामाभार स्तूप के दर्शन के लिए आया था, यहाँ आया तो ज़मीन पर बैठ गया। एक बिटिया है, हारमोनियम पर माँ सरस्वती की फ़ोटो लगी है, जूता उतार कर बैठना पड़ा। जो सुर हैं, जो ज्ञान है और उंगलियां जिस तरह से हारमोनियम पर चल रही हैं, मैं चाहता हूं कि दर्शक उसे देखें और इस बच्ची को अपना आशीर्वाद दें कि वो यश के मुकाम पर पहुंचे, उन्नति पाए और इस दुनिया में संगीत को उसकी अंतिम गति तक अपनी सेवा दे सके। बिटिया हमके कुछ सुनावत रहा हुआ है, सुनावा बस। जब से नैना लड़ल बाटे आगे बढ़ल बाटे। गोरखपुर के जो लोग हैं वो इस भाषा को समझते होंगे। मैं इस बिटिया की तारीफ के लिए कुछ नहीं कह सकता, बहुत छोटा हूँ इसके आगे, इसकी कला के आगे, माता सरस्वती के आशीर्वाद के आगे। जीवन में अगर कुछ कर सका तो इसके लिए ज़रूर करूँगा। न्यूज से इतर समाज में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम बताना चाहते हैं। कई बार राजनीति की बंदिशें चुनाव की कवरेज में बहुत सारी चीज़ें को छोड़ देती हैं, हम चाहते हैं ना छूटे। इस बिटिया को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले। मैं जिस काशी से हूँ, बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान दिया, यहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुद्ध का ज्ञान इस बिटिया का भविष्य शाश्वत करे और मैं जो कर सका, हम सब जो कर सके, ये भारत, ये दुनिया जो इस बच्ची के लिए कर सके वो ज़रूर करे। मैं इसकी अपील भी करता हूँ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बुद्ध की धरती पर इससे खूबसूरत ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता।